दोस्तों आज के ज़माने में अगर आप देखना चाहते हो कि इंडिया में क्या चल रहा है, तो इंडिया में दोस्तों धर्मों का प्रोपेगेंडा चल रहा है। दोस्तों धर्मों के ऊपर इंसानों को बहुत बड़ा यहाँ पे बड़ी साजिश यहाँ पे की जा रही है। धर्मों के नाम पे, जाति के नाम पे यहाँ पे एक दूसरे को भड़काया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारी जात, तुम्हारा जो कौम है वो संकट में है और उसके लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसा बहुत कुछ। और इस झांसे में इस देश के नवयुवा नौजवान युवक आ रहे हैं। दोस्तों ये टॉपिक तो आज की वीडियो का मेरा नहीं है, फिर भी मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको लगता है कि जाति और धर्मों के राजकारण से हम यहाँ पे राजनीति कर सकते हैं, हम यहाँ पे इन पे राज कर सकते हैं। और उनका ये कहना सही भी हो रहा है किस माध्यम से, क्योंकि यहाँ का युवा पढ़ता नहीं है और सीधा उस नेता के हाथ के नीचे चला जाता है और वो नेता जैसे बताता है वैसा ही वो सुनता जाता है। वो नेता है दोस्तों कोई संविधान का मालिक नहीं, जो वो बताई हर बात सच हो, वो बताया हर कानून सच हो। इसलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं इसके लिए ला रहा हूँ कि हमारे आदिवासी संस्कृति में कोई बोलता है मैं गोंडी धर्मी हूँ, कोई बोलता है मैं सरना धर्मी हूँ, कोई बोलता है मैं भिल्ल हूँ, कोई बोलता है मैं महादेव कोली हूँ, कोई बोलता है मेरा धर्म आदिवासी है। ये सारे अगर टॉपिक ले लिए अपने अपने मुल्क में, तो कोई बोलता है मैं तो गोंडी हूँ, कोई पुणे में हूँ, कोई बोलता है मैं सरना हूँ, ये अपने अपने मुल्क में ठीक है। लेकिन अगर आप एक छत के नीचे आते हो, अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे आते हो, तो क्या आपका धर्म आदिवासी धर्म है? क्या आपका धर्म का नाम आदिवासी है? क्या आप सरना धर्म को पूरी इंडिया में ला सकते हो? आप सरना धर्म को आप अफ्रीका में ले जा सकते हो जहाँ पे आदिवासी रहते हैं? क्या गोंडी धर्म को आप अफ्रीका तक पहुँचा सकते हो? अगर आप इस बात पर अगर बात करेंगे, और बहुत सारे लड़के हैं जिनको लगता है कि कोई सरना बोलता है, कोई गोंडी बोलता है, कोई आदिवासी बोलता है, तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कन्फ्यूजन है तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखें। मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन जो भी मैं बात बताऊँगा आप ध्यान से सुनना, आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। जैसे बात दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलावा ब्रिटिश चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, और माफ़ी इसके लिए दोस्तों कि मैंने बहुत देर से वीडियो डाल रहा हूँ, इसके लिए मैं सभी से माफ़ी चाहता हूँ। चलिए दोस्तों मेन कंटेंट पे फोकस करते हैं। अभी मैं जो गोंड हूँ, तो गोंडी तो पांडी परी कुपर लिंगो द्वारा रचा हुआ जो धर्म है, गोंडी धर्म को या पुणे में, वो मैं कैसे भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसमें मेरी रीति परंपराएं, जंगल के जो भी काम है, जो मैं संस्कृति से रिलेट करता हूँ, जो पर्यावरण से रिलेट करता हूँ, वो सभी काम मैं गोंडी धर्म के माध्यम से करता हूँ, इसके लिए ही मैं आदिवासी हूँ। सो ये मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। वैसे ही सरना जो है, सरना की कुछ रीतिम परंपराएं वो भी छोड़ने वाले नहीं हैं। आज आप अगर देखते हो अलग अलग मुल्क में, जैसे महाराष्ट्र में आपको गोंडी धर्म का कोया पुणे सम्मेलन दिखेगा जहाँ पर प्रधान गोंड अपना प्रोग्राम बनाते हैं, वैसे ही अगर आप बाहर जाएंगे तो सरना मिलेगा कहीं पे। कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं कि जो बोल रहे हैं कि नहीं, सबका धर्म आदिवासी होना चाहिए, तो इनकी भी बात एक तरह से सही है। तो फिर क्या करें हम लोग, क्या करें? जनगणना तो आने वाली है, 2021 में हमारी जनगणना फिर से हो जाएगी, और इस जनगणना में कोई बोल रहा है कि हमें धर्म कोड चाहिए, उस कोड की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। खुद से पूछना, कोड मिलने से अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगे तो फिर मुझे बताना। दोस्तों मैं एक ही ढंग से विचार करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत सारे एंगल से विचार करता हूँ, और इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आदिवासी यह शब्द संविधानिक नहीं है, फिर भी यह संविधान से जुड़ा हुआ है। आदिवासी का अर्थ यही होता है कि यहाँ पे बहुत आदिकाल से रहने वाले, सबसे पहले रहने वाला यहाँ पे आदिवासी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ये तो बात नहीं है कि आदिवासी सिर्फ इंडिया में है, आदिवासी अफ्रीका में भी है, आदिवासी इंग्लैंड में भी है, आदिवासी हर देश में है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, किसकी परंपरा कैसी है? वो सब नेचर से रिलेटेड है, ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन किसकी परंपरा कैसी है वो अपना अपना धर्म, अपनी अपनी रीति परंपराओं की नज़र बनाते हैं। तो फिर क्या हम आदिवासी शब्द को यहाँ पे धर्म दे सकते हैं? आदिवासी शब्द से कोई धर्म आ सकता है? नहीं दोस्तों, नहीं आ सकता। इसलिए आदिवासी धर्म नाम का कोई धर्म हो ही नहीं सकता। आदिवासी एक समुदाय है जिसके नीचे, आदिवासी शब्द एक समुदाय है जिसके नीचे अनेक संस्कृतियाँ, अनेक धर्म वास करते हैं। इसको एक पहचान का नाम दिया गया, आदिवासी, इंडिजिनस, मूल निवासी लोग। फिर दोस्तों हमें किस शब्द के पीछे दौड़ना चाहिए?
अगर हम धर्म बताएं तो कौन सा धर्म बताएं? कोई अपुण्य नहीं हो सकता, वो धर्म नहीं है, वो संस्कृति है, वो परंपरा है, एक विचारसरणी है। सरना एक धर्म नहीं है, एक परंपरा है, एक विचारसरणी है। फिर हम सबको एक छत के नीचे आना पड़ेगा तो हमें कौन सा शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा? आदिवासी तो नहीं हो सकता। दोस्तों कुछ दिन पहले दिल्ली के जंतर बंतर मैदान में कुछ आदिवासी लोग वहाँ पे आए थे। ना मोदी वहाँ पे गया था, ना मोदी का मीडिया वहाँ पे गया था, लेकिन जो आदिवासी समाज था वो आक्रोश करने वाला था। उन्होंने एक मांग रखी थी, मांग का नाम है ट्राइबल रिलीजन। ये शब्द कहाँ से आया आपको मालूम है? अगर आपने नहीं देखा मेरा आदिवासी हिंदू नहीं ये वाला पहला पार्ट वीडियो, तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख ले, उसके बाद ही मेरा ये वीडियो देखना। क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया कि 1941 तक जब आदिवासी का सर्वेक्षण होता था, जनगणना होती थी, तब एनिमीज, ट्राइबल, ट्राइब्स, ट्राइबल रिलीजन ऐसे नाम आते थे और ऐसे नाम करके हमारी जनगणना होती थी। 1951 से हमें हटाया गया, तो वही शब्द हमें जनगणना में लाना है। दोस्तों धर्म से अगर आपका इस दुनिया में कोई धर्म नहीं बताएगा तो हम मरेंगे नहीं है। हमें क्या करना है, हम जनगणना के मार्फत अपनी मौजूदगी वहाँ पे डालनी है। तो मैं गोंडी बोलूँगा, मैं सरना बोलूँगा, मैं आदिवासी बोलूँगा, मैं अलग अमका ढिमका फलाना बोलूँगा, तो जनगणना में मिस्टेक हो जाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप अगर जनगणना का रिकॉर्ड देखें वहाँ पे, तो रिकॉर्ड ये था कि 1941 तक ट्राइबल रिलीजन, एनिमिस्ट, ट्राइब्स, यहाँ ऐसे कोई कई शब्द से आदिवासी जाना जाता था। तो उसी शब्द की मांग को लेकर यहाँ पे जो संगठनाएँ हैं, वो संगठना दिल्ली जंतर मंतर के आके वहाँ पे आक्रोश एक मोर्चा हुआ। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, आदिवासी लोगों ने सरकार का निषेध किया और पूछा, जाहिर मांग रखी वहाँ पे कि ट्राइबल रिलीजन यह शब्द जो 1941 से गायब हो गया था जनगणना से, वो जनगणना में फिर से लौटाया जाए और ट्राइबल रिलीजन कम्युनिटी करके हमें दिया जाए, जिस शब्द के नीचे बहुत सारी संस्कृतियाँ, बहुत सारे परंपराएँ, बहुत सारे भिन्न भिन्न जो हमारी संस्कृतियाँ हैं, भिन्न भिन्न जो हम अपने धर्म बताते हैं, वो सभी उस शब्द के नीचे आए। वही हमारा धर्म है और वही हमारी संस्कृति है। दोस्तों फिर भी वो ट्राइबल रिलीजन जो भी शब्द आएगा, वो शब्द हमारा धर्म नहीं हो सकता। वो हमारी कम्युनिटी है, हम उसके हिस्सेदार है और उसके नीचे अनेक धर्म, अनेक संस्कृतियाँ आती है आदिवासियों की। आपको तो मालूम है कि महाराष्ट्र में 45 से ज़्यादा जातियाँ हैं और इंडिया में 800 से अधिक जातियाँ हैं। तो इन सभी जातियों की रीति परंपराएं देखें तो किस किस को किस धर्म का नाम देंगे आप? इसीलिए इन सभी संस्कृतियों को एक नाम देना ज़रूरी, सभी तभी हम एक जगह आ सकते हैं और मुट्ठी बांध सकते हैं। दोस्तों मेरी अगर बात पल्ले पड़ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको कुछ लगता है तो कमेंट भी कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करो और ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों तक पहुँचाओ। और मैं सभी को बता दूँ कि मैं थोड़े से काम में हूँ, मैं पुणे आया हूँ, सो पुणे में से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हो सकता है मुझे और 4-5 दिन पुणे में लगे, तो टाइम नहीं मिल रहा था, फिर भी आज मैंने ये वीडियो बनाया है, आप तक पहुँचाया है। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाओ, ताकि पता चले कि आदिवासी कोई गोंडी फांडी बोल रहा है और हमारे लोगों में जो वास्तविक कलह निर्माण हो रहा है, कलह हो रहा है, वो कलह मिट जाए और सब लोग ये बात मेरी समझ सके कि संविधानिक क्या है, जनगणना में नाम क्या थे और हमें किस दौर में, किस राह पे हमें चलना चाहिए। क्योंकि राह पे, आँखों पे अगर पट्टी बांध के चलना है तो हम कहीं नहीं पहुँचेंगे, लेकिन सब मिलके एक साथ पट्टी निकाल के चलेंगे और संविधान को पढ़ते चलेंगे तो शायद जल्दी से जल्दी हम हमारा मिशन पूरा कर सकते हैं, हम इस दुनिया के मूल निवासी है सारे दुनिया को बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, अगले नए टॉपिक के साथ। और एक बात दोस्तों, मैं कल शाम 7 बजे लाइव आने वाला हूँ। अगर आपको लगता है, सभी को लगता है कि मेरे से बातचीत करना चाहिए, मुझसे आप बोलना चाहते हो, तो प्लीज़ कल 7 बजे मुझे लाइव में देखें और तैयार रहें आप कि मुझे वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और बहुत सारा। मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो और सीधे हम लाइव पे बात करेंगे। चलो दोस्तों तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना। जाति तूने मुन्ने ओ में बा, जाति तूने मुन्ने ओ में बा, जाति तूने मुन्ने ओ में बा, निम्मे कई देने झंडा पिया बा, कई देने झंडा पिया।
बाबा।